ओम शांति। आज 28 जून 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुखी बनने की शिक्षा दी है। अंतर्मुखी अर्थात बाबा ने कहा मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, हर कर्म शांति से करना है और अंतर्मुखी बन के अपनी चेकिंग भी करनी है। चेकिंग के भी भिन्न भिन्न बातें आज बाबा ने मुरली में बताई। तो अंतर्मुखी बनना अर्थात क्या? मैं आत्मा हूँ। मुख से कुछ भी नहीं बोलना अर्थात मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। और साथ साथ बाबा ने जो आज कहा अंतर्मुखी बन के अपनी चेकिंग करनी है, तो चेकिंग भी किस आधार से करेंगे? बाबा ने जो ज्ञान दिया है और बाबा की जो अवस्था है उस आधार से। तो सहज ही कैसे अंतर्मुखता का गुण हमें कर्मयोगी बनाता है, उसकी और गहराई जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। भल ये पुराना शरीर है, लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिकपन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। कर्तापन के भान से मैं करता हूँ, मैंने किया, यह मैंपन से मुक्त रहे कर्म करना ही कर्म योगी स्टेज है। हम आत्माओं ने सबसे ज़्यादा इस कल्प में शरीर धारण किए, जो आदि से रही है अंत तक रही है। 84 शरीरों में हम आत्माओं ने अपना पार्ट बजाया है, लेकिन उन सभी शरीरों के अंदर से भी ये अंतिम शरीर भले ही तमो प्रधान ही क्यों ना हो, लेकिन बाबा कहते हैं इसकी बलिहारी है। क्यों? क्योंकि भले ही मैं आत्मा मालिक हूँ ये स्मृति हमें सत्ययुग त्रेता में भी है, लेकिन वहाँ पे दिव्यता का अनुभव है, अलौकिकता का नहीं। वहाँ उस लोक में हम आत्मा है और दिव्य आत्मा है, उन गुणों का अनुभव हम कर सकते हैं शरीर के द्वारा, लेकिन बाबा जो हमें अनुभव करा रहा है इस लोक के होते हुए भी इस लोक में नहीं, सूक्ष्म वतन का, मूल वतन का अनुभव इस शरीर के द्वारा, वो अनुभव ना हमने सत्ययुग त्रेता में किया और द्वापर कलयुग में तो हम भूल ही गए थे कि मैं आत्मा मालिक हूँ। इसलिए मालिकपन की स्मृति और करण करावन हार की स्मृति और उन दोनों के द्वारा अलौकिकता का अनुभव, ये सारी बातें सिर्फ संगम पर ही संभव है। इसीलिए बाबा ने कहा कि इस शरीर में होते हुए ये स्मृति कभी ना भूले कि मैं आत्मा मालिक हूँ और बाबा मुझसे कर्म करवा रहा है। ये स्मृति ही कर्मयोगी बनाती है और ये स्मृति पक्की तब होती है जब, जैसे बाबा ने आज मुरली में हमें इशारा दिया, अंतर्मुखी बन करके हर कर्म मैं आत्मा करवा रही हूँ और बाबा के डायरेक्शन पर करवा रही हूँ। इसलिए यही अलौकिक अनुभव है, यही शांति से हर कार्य करवा सकता है और इसी अभ्यास से मैंपन, जो बाबा ने आज हाईलाइट किया है इशारों में, उस मैंपन से हम मुक्त हो सकते हैं। मैं शरीर नहीं कर रहा, मैं आत्मा शरीर से करवा रही हूँ और वो भी बाबा के डायरेक्शन के अनुसार। तो जितना जितना अंतर्मुखी उतना उतना मालिक, उतना उतना अलौकिकता का अनुभव और उतने उतने कर्मयोगी हम बनते जाएंगे। ओम शांति।